कसम है उस जात की जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है कि ईसा इब्ने मरियम तुम में जरूर नाजिल होंगे आदिल हुक्मरान की हैसियत से। अल्लाह ताला फरमाया ईसा इब्ने मरियम कभी यार महसूस नहीं करेंगे इस बात पर कि उन्हें अल्लाह का बंदा कहा जाए, ना कोई मुकर्रब फरिश्ता। अल्लाह ये कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम किसी पैगंबर को नबूवत देकर भेजें और वो लोगों से ये कहना शुरू कर दे कि लोगों मेरी इबादत करो अल्लाह के सिवा या अल्लाह के साथ। वो तो कहता है कूनू रब्बानीयीन, अल्लाह वाले बन जाओ। सलामती है, सलामती उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतजर रहते हैं और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामजन है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक मुसलमानों का ये इजमाई अकीदा है, पांच जुमलों में मैं वो अकीदा बयान कर देता हूं। नंबर वन, ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने 33 साल की उम्र में 33 इयर्स की एज में जिंदा आसमानों पर उठा लिया। नंबर टू, ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम क्यामत से पहले एक दफा इस दुनिया में दोबारा तशरीफ लाएंगे। नंबर थ्री, ईसा इब्ने मरियम जब कुर्बे क्यामत में आएंगे तो वो एक आदिल हुक्मरान के तौर पर नाजिल होंगे, सलीब को तोड़ देंगे, अहले किताब ईमान ले आएंगे, दज्जाल को कत्ल करेंगे, जिजिया मौकूफ कर देंगे, पूरी दुनिया पे इस्लाम की हुकूमत होगी इंशाअल्लाह। इमाम महदी उनके लिए ग्राउंड्स बनाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली जब ईसा इब्ने मरियम आएंगे तो ये लीडरशिप ईसा इब्ने मरियम के सुपुर्द कर दी जाएगी, क्योंकि दज्जाल का फितना एक इतना एक्स्ट्रॉर्डिनरी फितना है कि वो दुनिया के इंसानों के काबू में आने वाला नहीं है। उसके लिए फिर बड़ी पर्सनैलिटी चाहिए और वो ईसा इब्ने मरियम। और नंबर फोर, वो 40 साल तक दुनिया में हुकूमत करेंगे, इसी दौरान वो शादी भी करेंगे, उनके बच्चे भी होंगे, यानी उनकी उम्र 73 इयर्स होगी, 33 वो जो दुनिया में गुजार चुके, 40 अभी उन्होंने गुजारनी है। और नंबर फाइव, अकीदा उनके बारे में ये है कि जब वो फौत होंगे मुसलमान उनका जनाजा पढ़ के उन्हें कब्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रोजा शरीफ में दफन करेंगे। ये जो पांचों अकीदे हैं ना, ये कुरान और सुन्नत के अंदर बड़ी तफसील के साथ बयान हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उम्मत में इन पांचों अकायद के मामले में कोई इख्तलाफ नहीं है। ये चंद वो मसाइल जिनके ऊपर इजमाए उम्मत है उनमें से एक है। सबसे पहले कुरान पाक में जो आयात है मैं इंशाल्लाह वो कवर करूंगा, तीन मकामात से ईसा इब्ने मरियम से मुतालिक जो हयात मसीह और नुजूल मसीह से रिलेटेड आयात हैं, और उनकी साथ साथ तशरीह भी करूंगा इंशाअल्लाह ताला। और एंड पे जाके मैं 12 सईउल इस्नाद हदीस बयान करूंगा, लेकिन वो आखिर में बयान करूंगा, सिर्फ इसलिए कि वो लोग जो ये समझते हैं कि ये अकीदा उम्मत ने खुद से घड़ लिया है, कुरान में इसकी कोई जड़ मौजूद नहीं है, उनका रद्द करना इस वक्त ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अहदीस तो उमन आपने सुनी हुई है, लेकिन जाहिर है कि हम तो हर हदीस रेफरेंस के साथ बयान करते हैं। वो 12 सईउल इस्नाद हदीस इंशाअल्लाह ताला मैं एंड पे बयान कर दूंगा। तफसील में जाने से पहले एक दफा दुरूशी पढ़ लें। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد। सूरह निसा कंक्लूड हो रही है इन आयात के अंदर। ज्यूज ने जो जो अल्लाह ताला की नाफरमानियां की हैं उनकी एक फहरिस्त आप समझ लें, पूरा मुकदमा उन पर कायम किया। उन्हीं में से एक चीज अल्लाह ताला ने बयान फरमाई ईसा इब्ने मरियम के हवाले से कि अल्लाह ताला ने ज्यूज के दिलों पर जो मोहर लगा दी उसकी चंद वजूहात में से एक वजह यह भी थी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا, اور یہ جو ان کے دلوں کے اوپر اللہ نے مہر لگائی وہ بسبب اس کے کہ انہوں نے کفر کیا, اور ان کا یہ قول جو انہوں نے سیدہ مریم کے اوپر ایک بہت بڑا بہتان لگایا, نعوذ باللہ, کہ ان کا بیٹا جو ہے یہ آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہوا ہے بجائے اسے معجزہ ماننے کے. وَقَوْلِهِمْ, اور ان کا یہ کہنا بھی, اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ, کہ بے شک ہم نے تو مسیح کو, عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا جو کہ اللہ کے رسول ہے. اب اس کے اندر ایک بڑی حیران کن بات ہے چھپی ہوئی کہ عیسیٰ ابن مریم جو کہ رسول اللہ ہے ان کو قتل کرنے کا دعویٰ یہ کر رہے ہیں, کیونکہ رسول کبھی بھی قتل نہیں ہوتا, انبیاء قتل ہوئے ہیں. قرآن میں جن آیات میں رسول کے لیے ورڈ آیا نا وہ بھی لغت کے معنوں میں آیا, وہ مسند احمد میں حدیث ہے, مشکات میں بھی, کہ 124,000 پیغمبر ہیں, ان میں سے صرف 315 رسول ہیں, باقی سب کے سب انبیاء ہیں. رسول شریعت کے ساتھ آتے ہیں, پلس رسول آ کے اپنی قوم کو یہ دھمکی لگاتے ہیں کہ اگر تم ہم پر ایمان نہ لائے تو بڑے دن کا عذاب تمہیں آ پکڑے گا, اور پھر اس کی وجہ سے ان کی قوموں کو ہلاک کیا جاتا ہے, جس طرح نوح علیہ السلام رسول تھے, ہود علیہ السلام, صالح علیہ السلام, شعیب علیہ السلام, لوط علیہ السلام. تو اس لیے دیکھیں انہوں نے دھمکیاں دیں اور مخالفین تباہ و برباد ہوئے. لیکن جو انبیاء ہوتے ہیں نا وہ صرف دعوت توحید دیتے ہیں, جو اگلی شریعت ہے اس کی پیروی کا حکم دیتے ہیں, جس طرح کہ یوسف علیہ السلام, وہ کہیں آپ کو ان کی دھمکی نظر نہیں آئے گی کہ اگر مجھ پہ ایمان نہ لائے تو بڑے دن کا عذاب آ پکڑے گا, وہ تو صرف جیل کے ساتھیوں کو دعوت توحید دیتے ہیں, کیونکہ وہ آلریڈی حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسحاق علیہ السلام, حضرت یعقوب علیہ السلام کے دین کے اوپر ہوتے ہیں. تو یہ نبی اور رسول میں فرق ہے. رسولوں کے کیس میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے, کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی, اللہ نے یہ طے کر لیا اپنے پاس کہ بالضرور میں اور میرے رسول ہی غالب رہیں گے, رسول کبھی قتل نہیں ہوگا, کیونکہ رسول اگر دھمکی لگائے اور خود قتل ہو جائے تو اس کی رسالت تو پھر گئی نا, دھمکی لگا رہا تھا مخالفین کو, خود قتل ہو گیا ان کے ہاتھوں. یہ وجہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم قتل نہیں ہوئے, اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمانوں پہ اٹھا لیا, بچا لیا. اور ان کے مخالفین پہ عذاب کا کوڑا پھر برسا, اور مسلسل پچھلے 2000 سال سے برس رہے. ٹائٹس نے 70 عیسوی کے اندر نبی الاسلام کی پیدائش سے ایگزیکٹلی 500 ایئرز پہلے, ہیکل سلمانی جو دوبارہ انہوں نے تعمیر کیا تھا نبوکدنضر کے توڑنے کے بعد, اسے توڑ دیا, ایک دیوار صرف چھوڑی اس نے, وہ جس کے سامنے یہ وہ گریا کر رہے ہوتے ہیں, ویلنگ وال, دیواریں گریا, اور پھر مسلسل عذاب کی قسطیں ان پہ آتی نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے اپنی روش نہیں بدلی. پچھلی صدی میں تو اتنا بڑا عذاب آیا کہ وہ انسانی ہسٹری میں نہیں آیا کسی کے اوپر. 60 لاکھ یہودیوں کو ہٹلر نے دوسری جنگ عظیم کے اندر سو فیکٹریز میں گیس چیمبرز کے اندر قتل کر دیا. ہٹلر کا جو عمل ہے وہ غلط ہے, اسے ہم کنڈیم کریں گے. ان پہ جو عذاب آیا وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کے سبب, اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ یہودی خود مانتے ہیں, آخری کوڑا برسنا ہے جب قرب قیامت میں انہوں نے خود نازل ہونا ہے, تو اس وقت پھر جیوز اور کرسچن اسلام قبول کر لیں گے. لیکن جو اس وقت بھی نہیں کریں گے نا ان کے خلاف پھر قتال ہوگا. وہ بخاری مسلم میں آیا کہ اگر کسی درخت یا پتھر کے پیچھے بھی کوئی یہودی چھپا ہوگا نا تو اتنا بڑا اللہ کا عذاب ہوگا کہ وہ درخت اور پتھر بھی بولے گا کہ اے مسلم میرے پیچھے یہودی ہے اسے قتل کر دے, اے بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ نہیں, اے مسلم, تو لہذا مسلم بڑھ جاؤ خدا دن آ جائے. تو ایک غرکت کا درخت نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ وہ یہودیوں کا درخت ہے, وہ نہیں بولے گا, جس کی کاشت انہوں نے بہت بڑے پیمانے پہ کی ہے. انہوں نے تو خیر کسی اور وجہ سے کی, بہرحال
अल्टीमेटली उसके पीछे ये वजह भी है, वो बहुत बड़ी झाड़ी होती है रेगिस्तान में, इतनी घनी झाड़ी वही उग सकती है। उसमें एक बंदा क्या, कई बंदे भी आप छुपा दे तो नजर ही ना आए, दरख्त नुमा झाड़ी है वो, तो वो हरकत का दरख्त उनको पना देगा, अदरवाइज वो कत्ल किए जाएंगे मैदान जंग में। आम हालत में नहीं कत्ल करना, ना किसी मुसलमान ने यहूदी को ना किसी यहूदी ने मुसलमान को, सिर्फ मैदान जंग का मामला है। आज भी आपको पता है जो ज़ायनिस्ट हैं वो अलग से हैं, ज्यूज अलग से हैं। ज़ायनिस्ट ने इसराइल बनाया, इसराइल बनाने को ज्यूज हराम समझते हैं। जो ओरिजिनल यहूदी हैं, जो अमेरिका में आपको फलस्तीन के झंडे लगाए हुए और इसराइल के झंडे के ऊपर क्रॉस का निशान के साथ नजर आ रहे हैं, वो ज्यूज हैं। वो ये कहते हैं कि हमने नहीं ये काम करना कि हम अलग से रियासत बनाए। जब तक हमारे गुनाहों की माफी नहीं होती उस वक्त तक अल्लाह ताला हमें हुकूमत नहीं देगा, और वो अल्लाह ही हमें हुकूमत बना के देगा, क्योंकि इन्होंने तो मूसा अलैहिस्सलाम को भी कहा था कि अल्लाह ही जाके जिहाद करे, हमने नहीं करना। तो ये कैसे कर सकते हैं? तो एक पॉलिटिकल मूवमेंट थी ये, ज़ायनिस्ट मूवमेंट जो है। हां, उनका मजहब जो है वो यहूदियत था, बस ये है। तो अल्लाह ताला ने हिफाजत फरमाई ईसा इब्ने मरियम की, आसमानों पे उनको उठा लिया और उनके मुखालफीन पे, चूंकि वो रसूल थे। तो ये जो अल्फाज है कि हमने कत्ल कर दिया ईसा इब्ने मरियम को जो रसूलुल्लाह थे, ऐसा नहीं हो सकता। वकौलिहिम इन्ना क़त्लनल मसीह ईसा इब्ने मरियम रसूलुल्लाह वमा क़त्लू, उन्हें कत्ल नहीं किया गया, वमा सलबू ना उन्हें सूली चढ़ाया गया, वलाकिन शुब्बिहा लहुम, बल्कि मामला उनके लिए एम्बिगुअस हो गया, मुश्तबे हो गया, उनके कातिलीन को यह पता ही नहीं चला कि वो किसको कत्ल कर रहे हैं। वह इन्नल्लज़ीन अख्तलफू फी, और बेशक इस मामले में जो लोग इख्तलाफ कर रहे हैं, लफी शक के मिन, वो उनके मामले में शक में है, उन्हें कोई यकीन से नहीं पता। जाहिर है कि ज्यूज और क्रिश्चियंस दोनों इसके ऊपर मुत्तफिक हैं कि उन्होंने एक बंदे को सूली चढ़ा दिया, ईसा इब्ने मरियम को यहूदियों ने चढ़ाया, और क्रिश्चियंस उन्हें इस मामले में ईसा इब्ने मरियम का कातिल समझते हैं, इसी वजह से इन दोनों ने कभी भी एका नहीं किया। ये आज जो आपको एका नजर आ रहा है, इसकी रीजन कोई और है, वो मैं दज्जाल वाली वीडियो में बता चुका हूं। मा लहुम बिही मिन इल्म, इस मामले में इनके पास कोई इल्म वाली बात तो है नहीं है, इल्लत तिबा वन, सवाय इसके कि ये अपने गुमान की पैरवी कर रहे हैं। वमा कतलूहू यकीना, और यकीनन उन्हें कत्ल नहीं किया गया, बर रफअहुल्लाहु इलैह, बल्कि अल्लाह ताला ने उन्हें बुलंद कर लिया अपनी तरफ। वकानल्लाहु अज़ीज़न हकीमा, और बेशक अल्लाह ताला गालिब है, हिकमत वाला है। ये अल्लाह की हिकमत है, अल्लाह ताला इस बात पर भी गालिब था कि जो लोग उन्हें कत्ल करना चाह रहे थे उन्हें तबाह कर देता, लेकिन अल्लाह की हिकमत यह है कि उनको उस वक्त कुछ नहीं कहा, ईसा इब्ने मरियम को ही अल्लाह ताला ने ऊपर उठा लिया। इसमें वाज़े आ गया कि ना वो कत्ल हुए ना सूली दिए गए, और यकीनन वो कत्ल नहीं हुए बल्कि अल्लाह ने उन्हें अपने पास उठा लिया। अब ये बड़ा अच्छा मौका था कि यहां पर अल्लाह ताला फरमाता कि वो अपनी नेचुरल डेथ फौत हुए, फलां जगह उनकी कब्र है, नहीं, फौत होने का जिक्र ही नहीं है, यह जिक्र है कि कत्ल नहीं हुए, सलीब नहीं दिए गए, बल्कि अल्लाह ने उन्हें अपने पास उठा लिया। तो ये इतने गैर मामूली अल्फाज बता रहे हैं कि अल्लाह ताला ने उन्हें जिंदा उठाया है। कि उसके साथ अल्लाह ने ऐसा मामला किया, और उसमें पॉजिटिव अंदाज में है कि हजरत ईसा इब्ने मरियम ने यह कहा कि जो चाहता है कि जन्नत में मेरा पड़ोस हासिल करे तो वो मेरी जगह सूली चढ़ेगा। फिर तो एक ही शागिर्द था जो तैयार हुआ, उसने कहा कि हजरत मैं, तो फिर अल्लाह ताला ने उसकी शक्ल ईसा इब्ने मरियम वाली बना दी और वो सूली चढ़ गया, और उसके एवज अल्लाह ताला ने उसको जन्नत में ईसा इब्ने मरियम का पड़ोस दे दिया। अब ये बिल्कुल 180 डिग्री, एक तरफ वो खाइन है और एक तरफ ये उसने अपने नबी के लिए जान दिया। अब अल्लाह बेहतर जानता है क्या है, ये मामला आज तक मुश्तबे ही है, लेकिन एंड रिजल्ट यही है कि ईसा इब्ने मरियम को अल्लाह ताला ने उठा लिया। एक ये चीज एस्टैब्लिश हो गई, दूसरा ये कि वाकई एक बंदा सूली चढ़ा है जिसकी शक्ल हजरत ईसा इब्ने मरियम वाली थी, जिसको अल्लाह ताला फरमाया कि मुश्तबे हो गया। मुश्तबे ये हुआ कि बाद में फिर उन्हें ख्याल आया कि भाई जो बंदा मुखबरी करने आया था वो किधर गया, एक बंदा तो कम पड़ गया ना। अगली आयत के अंदर सूरह निसा की अल्लाह ताला फरमाया हुआ इम मिन अहलिल किताब, और अहले किताब में से कोई भी ऐसा नहीं बचेगा
इल्ला लयुमिनन बिही क़ब्ल मौती, मगर यह कि वो अपनी मौत से पहले ईसा इब्ने मरियम पर ईमान ले आएगा। व यौमल क़ियामति यकूनु अलैहिम शहीदा, और क़ियामत के दिन ईसा इब्ने मरियम उनके ऊपर गवाह भी बनेंगे। ये जो आयत का पोर्शन है ये बता रहा है कि ईसा इब्ने मरियम पे सब अहले किताब ईमान ले आएंगे, लेकिन उनकी जिंदगी में तो सिर्फ 12 वारी लेके आए। तो इस आयत को तिलावत करके बुखारी और मुस्लिम दोनों में आता है कि हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब कभी भी नबी अलैहिस्सलाम की वो हदीस बयान करते थे ना, कसम है उस जात की जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है कि ईसा इब्ने मरियम तुम में जरूर नाजिल होंगे आदिल हुक्मरान की हैसियत से, सलीब को तोड़ देंगे। क्रिश्चियनिटी खत्म जब ईसा इब्ने मरियम ही सलीब तोड़ देंगे तो किस क्रिश्चियन की जरूरत है कि वो फिर सलीब को माने। अगर रसूलुल्लाह दुनिया में तशरीफ ले आए और खुद गुम्मद खजरा को उतार दे के मैंने तो तुम्हें मना किया था कब्रों पे इमारतें मत बनाना, तो फिर तो किसी की गुंजाइश ही नहीं रहती ना कि वो मज़ारात का दिफा करना शुरू करते। तो ये लॉजिकली समझ आती है। तो ईसा इब्ने मरियम सलीब को तोड़ देंगे, खिंजीर को कत्ल करेंगे अलामती तौर पे, यानी कि ये खिंजीर अगर कोई खा भी रहा था तो भाई ये हराम है। जिजिया मौकूफ कर देंगे, जिजिया तो काफरों से लिया जाता है। इंसान मेजॉरिटी जो है वो हजरत ईसा इब्ने मरियम के साथ शामिल हो जाएंगे और मुखालफीन तो वैसे ही कत्ल हो जाएंगे, हर तरफ इस्लाम होगा। और फिर हजरत अबू हुरैरा ये बयान करके हदीस यही आयत पढ़ा करते थे, व इम मिन अहलिल किताब इल्ला लियुमिनन बिही क़ब्ल मौती। वो कहते थे कुरान पढ़ के देख लो कि अहले किताब में से कोई नहीं बचेगा मगर ये कि वो उनकी मौत से पहले उन पर ईमान ले आएगा। तो सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु का ये अकीदा था कि ईसा इब्ने मरियम ने दुनिया में आना है, और वो हदीस के साथ इस चीज को बयान करके ये आयत भी साथ कोट किया करते थे। तो इस मकाम पर हयात मसीह और नुज़ूल मसीह दोनों कवर हो गए कि जिंदा उन्हें उठाया गया और वो क़यामत से पहले दुनिया में आएंगे। हाँ, उसके बाद जब वो आएंगे फिर उनके ऊपर ज़ाहिर है वो मौत भी तारी होगी, जो कुरान में आया कि सलाम हो उस दिन पर जिस दिन मैं पैदा हुआ, जिस दिन मैं मरूंगा, जिस दिन मैं दोबारा उठाया जाऊंगा। तो ज़ाहिर है ईसा इब्ने मरियम ने भी मरना है, इंसान है, मौत तो उनको भी आनी है। अब ये आयात इतनी गैर मामूली है सूरह अन्निसा की कि इनकी वजह से गांधी साहब को भी ये बात माननी पड़ी है कि ईसा इब्ने मरियम के साथ गैर मामूली मामला हुआ है। कादियानियों का तो अकीदा है कि वो मर गए हैं और उनकी कब्र भी है। गांधी साहब का अकीदा है कि वो दुनिया से तो चले गए लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी डेड बॉडी जो है वो आसमानों पे उठा ली थी ताकि उस लाश की बेहुरमती ना हो। तो आधा अकीदा वो भी मानते हैं कि ईसा इब्ने मरियम उठाए गए हैं, लेकिन वो कहते हैं कि उसी वक्त उन पर मौत तारी करके अल्लाह ताला ने उन्हें उठा लिया। हम कहते हैं नहीं, उस वक्त नींद तारी करके उन्हें उठाया, और उसके सबूत में हम कुरान की आयत भी इंशाल्लाह पेश करेंगे। और अहदीस को तो उन्होंने नहीं मानना तो उसको तो छोड़ दें, हम आयत से इस मुकदमे को क्लियर करेंगे। यहां पे बिल्कुल वाज़ह है अगर उनकी मौत हुई होती तो जब अल्लाह ताला ये बार बार जिक्र कर रहा है कि ना उनको कत्ल किया गया ना सलीब दिया गया और यकीनन नहीं कत्ल किया गया, तो बड़ा अच्छा मौका था कि अल्लाह ताला माता के अल्लाह ने उन्हें मौत दी और ऊपर उठा लिया, लेकिन अल्लाह ने यह नहीं कहा वमा कतलूहु यकीना, यकीनन वो कत्ल नहीं हुए, बर रफाउल्लाहु इलैही, बल्कि अल्लाह ने उन्हें ऊपर उठा लिया। यहां आना चाहिए था ना, ये वो क्रॉल रही है जो सही वाली क्रॉल रही है। लिहाजा ये इस तरह का जो अकीदा पब्लिक में चंद लोगों ने छोड़ा और बाद लोगों ने फिर उसमें मुसलमानों के जज्बात से भी खेला है कि जी अगर आप ये बात करेंगे तो खत्म नबूवत स्टेक पे लग जाएगी, कादियानी भी तो उम्मती नबी होने का दावा कर रहे हैं, गुलाम कादियानी दज्जाल के बारे में, तो हमारा तो अकीदा है कि नबी इस्लाम आखिरी पैगंबर है तो खत्म नबूवत स्टेक पर लग जाएगी। खत्म नबूवत कैसे स्टेक पर लगेगी, हजरत ईसा इब्ने मरियम नबी की हैसियत से नहीं उम्मती की हैसियत से आ रहे हैं, उम्मती नबी नहीं उम्मती। हाँ, चूंकि वो नबी पहले से हैं तो नबूवत अल्लाह छीनता नहीं है, नबी तो वो होंगे, इसलिए नहीं कि वो अब नबी बन के आए, इसलिए कि वो पहले से नबी हैं। खत्म नबूवत के होते हुए हजरत ईसा इब्ने मरियम का दुनिया में आना, इसी एक्सेप्शन कुरान में नबी इस्लाम ने अहदीस में बयान कर दी हुई है, और इस तरह की और कई एक्सेप्शन है। ये गांधी साहब वही एक घनौना खेल खेल रहे हैं कि अगर कोई शख्स कुरान से यह खेल खेलना शुरू कर दे कि कुरान में तो सूरह यासीन में और सूरह वाकया में लिखा है कि जो मर गया वो दोबारा दुनिया में वापस नहीं आएगा, लिहाजा कुरान में जो ये लिखा है कि ईसा इब्ने मरियम मुर्दों को जिंदा करते थे ये फ्रॉड है, फ्रॉड ही हुआ ना फिर।
तो क्या कहेंगे ये गांधी साहब? कि नहीं वो जनरल रूल है, ये एक्सेप्शन है एक छोटी सी बीच में, कि ईसा अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ने उनकी नबूवत बनवाने के लिए वक्ती तौर पे मुर्दों को जिंदा किया, तो वो जनरल रूल क्यों टूट गया? कहेंगे नहीं वो टूटा नहीं, यही एक्सेप्शन है। सरकार ईसा इब्ने मरियम के आने से भी ये वो एक्सेप्शन है जिससे खत्मे नबूवत पे फर्क नहीं पड़ता। इस तरह तो कुरान में और कई मिसालें मौजूद है कि अगर आप पिक एंड चूज करना शुरू कर देंगे तो फिर हम ये एक्सेप्शंस वाला जो मामला है ना इसको यकलख्त निगलेक्ट करेंगे। तो ये एक्सेप्शंस वाला मामला ऑलरेडी कुरान पाक में मौजूद है। अल्लाह ताला जनरल रूल के तौर पे एक बात करता है, फिर उसमें एक्सेप्शन भी होती है। दीनी अहकामात में भी कई जगह ये चीजें मिसाल के तौर पे मौजूद है। अब ये वो मुकाम था जिसमें वाज़ अकीदा आ गया। दूसरा मुकाम जो है वो सूरह आल इमरान की आयत नंबर है 55, जिसमें से बाज़ कादियानियों ने भी धोखा दिया और गांधी साहब भी यहां पे एक लफ्ज का तर्जुमा मौत करते हैं। हालांकि मुझे बड़ी खुशी हुई कि गांधी साहब के जो अपने उस्ताद है ना अमीन अहमद इस्लाही साहब, उन्होंने तदब्बुरुल कुरान के अंदर आधा अकीदा वही माना है जो बाकी मुसलमानों का है कि हजरत ईसा इब्ने मरियम को जिंदा अल्लाह ने आसमानों पर उठाया। उन्होंने कहा कि कोई अरबी का करीना बनता ही नहीं है कि यहां पर कोई मुतवफी का तर्जुमा जो है वो मौत करे, और उन्होंने सूरह अन्निसा की आयात को जोड़ के कहा कि बिल्कुल जिसे थोड़ी भी अरबी से वाकफियत है, जिसमें थोड़ा सा भी कॉमन सेंस मौजूद है, वो कभी ये रिजल्ट नहीं निकालेगा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मौत दे के अपने पास उठाया बल्कि जिंदा ही उठाया। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि गांधी साहब के जो उस्ताद हैं, जो काफ़ी यानी अच्छी चीज़ें उनसे डॉक्टर सरार साहब ने सीखी और कुछ जो इजमाई अकीदों के खिलाफ चीज़ें थी वो गांधी साहब ने सीख ली, बहरहाल इस मामले में गांधी साहब वाला उनका अकीदा नहीं है। इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा, और याद करो वो वक्त जब अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ ईसा इन्नी मुतवफ़ी का, बेशक मैं तुझे मुतवफ़ी करूंगा। अब मैं इसका तर्जुमा नहीं कर रहा बल्कि मैं ऐसे मुतवफ़ी, अब मुतवफ़ी किन किन मानों में आता है वो मैं बाद में कुरान से डिस्कस करूंगा। इन्नी मुतवफ़ी का, बेशक मैं तुम्हें मुतवफ़ी करूंगा, और हम इसका तर्जुमा इस तरह करते हैं कि मैं तुम पर नींद तारी करूंगा, वराफिऊ का इलैया, और फिर अपने पास उठा लूंगा। अब अगले अल्फाज वही है, उठा लूंगा। अब ये मैं नींद वाला तर्जुमा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि सूरह निसा में हो चुका है कि ना वो कत्ल हुए ना सलीब चढ़े बल्कि अल्लाह ने उन्हें अपने पास उठा लिया, और वहां अल्लाह ने कोई जिक्र ही नहीं किया कि उन पर मौत तारी हुई या नहीं। लिहाजा यहां जो है ये मुतवफी का क्या है, नींद तारी होगा, और ये नेचुरल भी है। एक जिंदा बंदे को चार फरिश्ते एकदम ऐसे उठाएं तो उसका एब्रप्ट रिस्पांस क्या होगा, आप जरा खुद सोच सकते हैं। तो इसमें मुहज़्ज़ब तरीका यही है कि उसके ऊपर नींद तारी की जाए जिस तरह सहाबा कराम पे की, और फिर उसी हालत में उसे यूं करके उठा लिया जाए, और ये बिल्कुल फिट इन बैठता है। वो सुने, वो आयत है सूरह अज़्ज़ुमर की आयत नंबर 42। जो मैंने ये बात की थी ना, ये तवफी दो मानों में आया है, एक मौत के मानों में और एक नींद के मानों में। अल्लाहु यतवफ्फल अन्फुस हीना मौतिहा, अल्लाह ही है जो तवफी करता है, कब्ज कर लेता है जानों को मौत के वक्त। वल्लती लम तमुत फी मनामिहा, और जिनकी अभी मौत का वक्त नहीं आया होता तो नींद की हालत में अल्लाह ताला उनकी जान को कब्ज कर लेता है। तो दो तवफी कुरान में आ गए। ये मैं कुरान से बात करूं, बुखारी मुस्लिम तक नहीं गया। अल्लाह ताला कहता है एक तवफी है मौत के वक्त और एक तवफी है नींद के वक्त। इसी को स्पोर्टिव हदीस है बुखारी और मुस्लिम की कि नबी अलैहिस्सलाम जब रात को सोते तो क्या दुआ मांगते, अल्लाहुम्मा बिस्मी का अमूतु व अहया, बिस्मी का अमूतु व अहया भी पढ़ सकते हैं, बिस्मी का अमूतु व अहया, ऐ अल्लाह मैं तेरे नाम पर मरता और जीता हूं, यानी सोता और जागता हूं। अब ब्रैकेट में देखें लोगों ने तर्जमा ये किया होता है, क्योंकि नींद भी मौत की बहन है। और फिर बुखारी मुस्लिम की उसी हदीस में है कि जब नबी इस्लाम सुबह उठते तो क्या दुआ करते, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन्नुशूर,
तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने मौत के बाद हमें दोबारा जिंदा कर दिया। तो क्या क्यामत के दिन जिंदा हुआ है? नहीं, हर नींद एक मौत है। और ये कुरान में है, अल्लाह यतवफ्फल अनफुस, अल्लाह ही तवफी करता है, मौत देता है, या आप कह लें कि वो कैफियत तारी करता है, ले लेता है जान को, हीना मौतिहा, मौत के वक्त, वल्लती लम तमुत, और जिसकी मौत का वक्त नहीं आया होता, फी मनामिहा, उसके सोते में, फयुमसिकुल्लती कदा अलैहिल मौत, फिर अगर अल्लाह ने किसी के लिए मौत मुकद्दर कर दी होती है तो फिर उसकी जान को अपने पास ही रोक लेता है। देखें, लोग सोते भी सो जाते हैं, दोबारा उठते ही नहीं है, लेकिन नींद की हालत में जो ये मौत तारी होती है ना, ये वो वाली मौत नहीं है जो रूह कब्ज होने वाली है, क्योंकि उसमें तो फिर बंदे ने वापस नहीं आना। इसलिए आप इस बंदे को अगर चुटकी काटें, स्विच चबो दें, फौरन उठ जाता है। वो एक रिश्ता अल्लाह तआला ने बाकी रखा हुआ है। वयुरसिलुल उखरा इला अजल मुसम्मा, और बाकियों की जान को अल्लाह ताला वापस कर देता है एक मुकर्रा वक्त तक के लिए, जो उनका फाइनल टाइम मौत का आना है, तो अल्लाह ताला वो वापस कर देता है। इन नफी ज़ालिका ला आयातिल लिक़ौमी यतफक्करून, बेशक इसके अंदर निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो गौर व तफक्कुर करने वाले लोग हैं। तो ये कुरान में सूरह अज़-ज़ुमर की आयत नंबर 42 में दो तवफियों का जिक्र हुआ, एक तवफी है मौत के वक्त, दूसरी नींद के वक्त अल्लाह ताला जान को कब्ज करता है। अब आपको यह समझ आएगा, इन्नी मुतवफी का, मैं तुझे तवफी दूंगा, नींद दूंगा, व राफी का इलैया, और अपने पास उठा लूंगा। और यह तर्जमा क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि दूसरी जगह में सूरह अन्निसा के अंदर कितनी वाज़े आयात हैं, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, वमा कतलूहू वमा सलबूहू वलाकिन शुब्बिह लहुम, और फिर बाद में वमा कतलूहू यकीना बर रफा अल्लाह इलैहि, बल्कि अल्लाह ताला ने उनको अपने पास उठा लिया। तो यह बिल्कुल वाज़े हो गया कि यह तवफी हुई है नींद की हालत में, जो मैं पहले आपको बता चुका। तो मैं उठा लूंगा अपनी तरफ तुझे, व मुताहिरु का मिनल लदीन कफरू, और मैं तुझे पाक कर दूंगा उन लोगों से जो कुफर करने वाले हैं, यानी रसूलों को अल्लाह ने बचाना होता है, मैं तुम्हें बचा लूंगा। وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, और जो तेरी पैरवी करने वाले होंगे, खा वो नाम निहाद भी हुए क्रिश्चियंस या मुसलमान, मैं उन्हें फौकियत दूंगा, इला यौम القیامہ, क्यामत के दिन तक। किन लोगों पर फौकियत दूंगा? जिन्होंने तेरा इनकार किया, जूस का। ثم إلي مرجعكم, उसके बाद तुमने मेरी तरफ पलट कर आना है। فَأَحْكُمَ بَيْنَكُمْ فِي مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ, तो मैं तुम्हारे दरमियान वो फैसला कर दूंगा जिस मामले में तुम झगड़ा करते हो। ये आयत वाज़े बता रही है कि हजरत ईसा ने मरियम के जो गुस्ताख हैं, जो उनसे कुफर की रविश इख्तियार करने वाले लोग हैं, अल्लाह तबारक व ताला उनके ऊपर गलबा देगा, क्रिश्चियंस को भी और मुस्लिम्स को भी, क्योंकि दो ही हैं जो हजरत ईसा अपने मरियम को मानते हैं, क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स, जूस तो उनके इनकारी हैं। और ये देखें, ये ऐसा यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जो आज तक कायम है, कभी भी जूस को इन पे गलबा नहीं मिला। पहले क्रिश्चियंस के ऊपर गालिब रहे, टाइटस ने हमला किया, और ये आखिरी भी जो हिटलर भी था, यह भी क्रिश्चियन ही था, और मुसलमानों के पास तो ये बैतुल मक़दिस और ये सारा मामला रहा, हमेशा गलबा रहा। आज भी गलबा मुसलमानों और क्रिश्चियंस का ही है, और ये जो गलबा है ये क्रिश्चियंस की सपोर्ट की वजह से हुआ है, थोड़ा बहुत जो यहूदियों का है, और इसका जिक्र भी अल्लाह ने कुरान में कर दिया था, लेकिन इस जगह पर नहीं किया ताकि अल्लाह ताला का कोई छोटा सा क्लिप काटे कि या अल्लाह तूने तो कहा था कि हमेशा क्रिश्चियंस और मुसलमान ही गालिब रहेंगे, तो ये तो यहूदी गालिब कैसे हो गए? तो क्लिप तो कटता है इधर से, जिस तरह हमारे भी एक लेक्चर में से क्लिप काट लेते हैं, हर जगह नहीं क्लियर कर, लेकिन अल्लाह ताला ने दूसरी जगह इस चीज को क्लियर कर दिया हुआ है, और वो है आयत नंबर 112 सूरह आल इमरान की, बुरिबत अलैहिम ज़िल्ला अयनमा सुकिफू, यहूदियों के लिए अब जिल्लत है, जहां कहीं भी ये होंगे इनके लिए जिल्लत अल्लाह ने मुकद्दर कर दी है। इल्ला बिहब्लिम मिन अल्लाह, सवाए इसके कि अल्लाह ताला ही कभी इनका कोई सहारा बन जाए आजमाइश के तौर पर, वह हबलिम मिनन नास,
या लोग इनको सहारा दे दें। और वो लोग सहारा कौन देते हैं? कभी मुसलमान सहारा दे देते हैं अपनी गलत पॉलिसीज की वजह से, और कभी क्रिश्चियंस। वबाऊ बिग़ज़ब मिन अल्लाह, और वो अल्लाह के गजब के हकदार ही रहेंगे। वदुरिबत अलैहिमुल मस्कना, और मोहताजी जो है वो उनके ऊपर थोप दी गई है, गरीबुल वतनी थोप दी गई है। डायस्पोरा कब का शुरू हुआ है? अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ, अगरचे 1917 में थोड़ा सांस मिला इन्हें बालफोर डिक्लेरेशन के बाद, जो जायनिस्ट मूवमेंट कामयाब हुई, फिर 1948 में, फिर 1967 में। ये मैं तारीख कई दफा बता चुका हूं फिलिस्तीन वाली। ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफुरून बि आयातिल्लाह, ये इस वजह से कि ये अल्लाह की आयात का इनकार करते थे। वयक्तुलून अल अंबिया बिगैर हक, और अंबिया को नहक कत्ल करते थे। ज़ालिका बिमा असौ व कानू यअतदून, ये इसलिए कि ये नाफरमान भी थे और सरकशी भी किया करते थे, और आज तक इनकी सरकशी है। और ये सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर तुम्हारी ये सरकशी की रविश खत्म ना हुई, मैं फिर तुम पे अजाब भेज दूं, और अगर तुमने हक कबूल कर लिया तो ठीक है। ये वो अकीदा था जो हयात मसीह और नजूल मसीह से मुतालिक था। नजूल मसीह से मुतालिक एक और मकाम भी है कुरान में, वो सूरह अज़ुख़रुफ़ है, जिसमें अल्लाह ताला ने तफसील के साथ ईसा इब्ने मरियम का जिक्र किया, आयत नंबर 57 से ऑनवर्ड। और अब वो आयत आप खुद पढ़ लीजिएगा, अगर मैंने उन्हें तफसील से बयान किया तो उसमें कई एक टॉपिक्स और खुलेंगे। फिर मेरी आदत यह है कि कोई एक मैं चीज खोल लूं तो फिर मैं उसको ब्रीफ करता हूं। बहरहाल उसमें सेंटर में जाके एक आयत आती है, उस आयत के शुरू में भी ईसा इब्ने मरियम का जिक्र है, बाद में भी ईसा इब्ने मरियम का जिक्र है, लिहाजा ये बिल्कुल फिट है कि ईसा इब्ने मरियम के बारे में है। स्टार्ट तो इससे हुआ है, वलम्मा दुरिब इब्नु मरियम मसलन इदा कौमुका मिन्हु यसिद्दून, यहां से ऑनवर्ड चलते हुए ईसा इब्ने मरियम की अल्लाह ने तारीफ बयान की है, जो उनके बारे में गलत अकायद थे उसका रद्द करते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया, व इन्नहु लइल्मुल लिस्सा, और बेशक ईसा जो है वो क्यामत की खबर है। ये हु की जमीर ज़ाहिरा ईसा इब्ने मरियम की तरफ जा रही है जिनका जिक्र है। फला तमतरुन बिहा, तो देखना इसमें शक ना करना। व तबिउन, और मेरे पैरोकार बनना। हाजा सिरातुम मुस्तकीम, यही है सीधा रास्ता। फिर इसके बाद फिर ईसा इब्ने मरियम का जिक्र हुआ है, लिहाजा ये किसी और शख्सियत के बारे में नहीं, ईसा इब्ने मरियम के बारे में। बाद लोग जो नहीं मानना चाहते वो कहते हैं नबी इस्लाम का जिक्र, नबी इस्लाम का जिक्र इसमें कहीं नहीं है। नबी इस्लाम दावत दे रहे हैं ईसा इब्ने मरियम के हवाले से अपने मुखालफीन को। और इस आयत के कॉन्टेक्स्ट में अल मुस्तदरक लिल हाकिम में, मुस्नद इमाम अहमद में, सही इबन हिब्बान में इबन अब्बास का कौल मौजूद है, कौल भी है और नबी इस्लाम से मरफून उन्होंने रवायत भी की है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो आयत है वह इन्नहु लइल्मुल लिस्सा, कि बेशक ईसा इब्ने मरियम जो है ये क्यामत की खबर है, ये ईसा इब्ने मरियम के दोबारा दुनिया में आने से मुतालिक है। ये हदीस में भी आ गया इसके कॉन्टेक्स्ट में, इस आयत की तशरीह मैंने हदीस से भी बयान कर दी। अब चंद एक इश्कालात जो मैं वैसे इसमें डिस्कस तो कर चुका हूं, लेकिन मैं उसे एक जगह जमा कर देता हूं। एक तो ये सवाल होता है कि दुनिया में दोबारा क्यों आएंगे, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि उनकी हर चीज ही मौजज़ाना है, पैदाइश भी, मां की गोद में एलान नबूवत भी, और उनके मौजज़ात भी, मुर्दों को जिंदा करना भी, मट्टी की मूरत में फूंक मारना और उसका परिंदा बन जाना, हर चीज ही मौजज़ा है, अव्वल तो आखिर मौजज़ात ही हैं। तो ये भी उनके लिए एक अल्लाह ने मौजज़ा रख दिया कि अल्लाह ने उन्हें जिंदा आसमानों पे उठा लिया। अच्छा, दूसरा एक खत्म नबूवत के हवाले से जो एक वसवसा देते थे, वो एक्सेप्शन मैंने आपको बता दी कि कुरान में तो वाज आया है कि जो मर गया वापस नहीं आएगा दुनिया में, सूरह यासीन में, सूरह अलवाकिया में, लेकिन फिर भी ईसा इब्ने मरियम का मुर्दों को जिंदा करना क्या कुरान की आयत को वायलेट कर देगा? हम क्या कहेंगे? ये एक्सेप्शन है भाई, खत्म नबूवत हो चुकी है, उसके बावजूद अबू दाऊद में, हाकिम में हदीस है, मिशकात में भी, कि हर 100 साल में एक मुजद्दिद आएगा जो दीन की तजदीद करेगा। तो वो जो मुजद्दिद आ रहा है तो क्या वो नया दीन पेश कर रहा है? नहीं, जो खुराफात दाखिल हो चुकी है उनकी तजदीद करेगा। दीन वही है जो नबी इस्लाम के ऊपर मुकम्मल हो चुका। और
एक और चीज वो कहते हैं कि जी आने का मकसद क्या है, वो भी मैंने आपको बता दिया कि यहूदियों पर अजाब का आखिरी कोड़ा आना है, बसबब इसके कि उन्होंने अभी तक अपनी वो रविश नहीं छोड़ी। अच्छा, यहां पे एक और चीज भी जो मैंने सूरह आले इमरान की आयत नंबर 55 के कॉन्टेक्स्ट में जो ईसा इब्ने मरियम के बारे में अल्लाह तआला ने फरमाया ना इन्नी मुतवफी का, बाद लोग बुखारी से एक रवायत लेके आते हैं जिसकी सनद कोई नहीं है, वो एक चैप्टर की हेडिंग में है। बेसनद इब्ने बास का कौल है कि वो इसका तर्जमा मुमीतु का करते थे कि जी यहां पर जो है वो मुमीतु का मुराद है मुतवफी का और उसकी सनद कोई नहीं है। ये जितने मुनकरीन हदीस हैं इनका मसला यह है कि इन्हें आप कुरान बुखारी मुस्लिम से भी कोई चीज पेश करें ये इनकार कर देंगे, और अपने मतलब की चीज कोई बेसनद भी रवायत आएगी ना वो जो इनके किसी बड़े ने घड़ी होगी, ठीक है, उसको लाके पेश कर रहे होंगे। ये इनका वतीरा है क्योंकि ये असल में हक बात को कबूल नहीं करना चाहते हैं, पता होता है इनको, वअंतुम तालमून, जिस तरह यहूदी उलमा को भी पता था कि वो क्या कर रहे हैं कि उनकी किताबों में प्रोफेसीज मौजूद है, नहीं माना उन्होंने। तो ये कहना कि इब्ने बास ने कहा कि इब्ने बास से तो वो साबित ही नहीं भाई। इससे मुतल्लिक अब जो अहादीस है वो मैं बयान कर देता हूं, 12 अहादीस, ठीक हो गया जी। अल्लाह ताला से दुआ है जो हक बात मैंने कही अल्लाह ताला हमारे दिलों में रासिख फरमाए, अगर जज्बात में मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल गई अल्लाह ताला हमारे दिलों से ही महव कर दे, हमें किताब व सुन्नत की तालीमात पर अमल करके दूसरे भाइयों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व मा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा अहसनुल जज़ा।